बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही इजी बन जाने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हमने चिकन को साफ़ कर लिया है, इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक लिया है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने सिरका ले लिया है, वो इस पर डाल दे। इसे अच्छी तरह से मिक्स किया इसमें और फिर हम इसे अंदर पानी शामिल कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख दें। 10 मिनट लिए हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए जब तक चिकन का। फिर हम इसको 10 मिनट के बाद वॉश कर दें। फिर हम इसको मैरिनेट कर देंगे मसाले लगा दें, जिसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं, दड़ा मिर्च ले रहे हैं, टिक्का मसाला ले रहे हैं जो बाजार से मिल जाता है, थोड़ा सा नमक ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल ले रहे हैं और सूखी मिर्ची। सबसे पहले हमने ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हमने दड़ा मिर्ची डाली है 1 टेबल स्पून, टिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून, 1/4 हमने डाली है सूखी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 टेबल स्पून और नमक ले लिया हमने। सारे मसालों को शामिल कर दिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए। अब हम बनाते हैं डो। डो के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम नीम गर्म 1/2 कप पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून हमने डाली है खमीर, उससे अंदर हमने डालनी है 1 अंडा डालना है, 1/4 हमने डालना है नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दें। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आप इसको बीट कर लें, बीटर से भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से किया है, डो हमने हाथ से ही गूंदनी है। तो फिर इसमें हमें जाना है 2 कप मैदा हमने डाले हैं। 2 कप मैदा डालने के बाद इसको आप हाथ की मदद से आटे की तरह गूंदना शुरू कर दें, अच्छी तरह से इसको बैटर को मिक्स करें सारे को। जब ये डो की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, आप देखते जाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। जब हमारी डो तैयार हो जाए तो आप इसे रख दें। फिर हमने जो मैरिनेट चिकन रख दिया था उसे हमने पैन में डाल दे, चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसे दम वाली आंच पे हमने कर देना है थोड़ी देर के लिए। उसे हमने दम पे लगा देना है, तो हमने चूल्हे पे रख दिया है दम वाली आंच पे। हम अपने पिज्जा ट्रेज़ो रीस कर लेंगे क्योंकि हमने डो तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, हमने पेड़ा बनाया है और साथ ही हमने उसे 2 मिनट के लिए छोड़ा है वो ज़रा स्टेबल हो जाए, तो फिर हमने उसी रोटी बना लेनी है। रोटी आपने बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, रोटी आप देख लें इस तरह आपने अच्छी तरह से गोल रोटी आपने बनानी है, अच्छी सरनी है और अच्छी सी रोटी आपने बने, चारों तरफ से बराबर आपने उसे बेलने की मदद से बेल लेना है। हमारी रोटी तैयार हो गई है, उसे हमने पिज़्ज़ा ट्रे में रख दिया है जिसे हमने 40 मिनट तक अब हम उसे डाते रख देना है। फिर हमने अपने चिकन का पानी खुश कर लेना है आँच तेज कर से, जब वो अच्छी तरह से गल जाए फिर। हाँ जी, अब हमने अपने सारे मसाले काट के रख लिए हैं, जिनमें शिमला मिर्च, टमाटर, सलवंजी हमने ले लिया है, ज्वाइन ले लिया है, ओरिगानो लीव्स ले लिए, ओलिव्स ले लिए। चिकन हमारा तैयार था। पिज़्ज़ा सॉस मैंने बाजारी यूज़ किया, अगर आप दूसरी बनाना चाहें तो उससे प्लेन केचप ले लीजिए, उसमें ओरिगानो डालिए और 1 टेबल स्पून आप उसमें डाल लीजिए दड़ा मिर्ची, तो आपकी सॉस तैयार हो जाएगी। सबसे पहले सबसे नीचे हमने पिज़्ज़ा सॉस तो लगाया है, उससे ऊपर हम चिकन को अच्छी तरह से बराबर पूरे पिज्जे पे फैला लेंगे। सारे पे फैलाने के बाद हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का हमने प्रेस करना है। इसके ऊपर हमने वाइट सॉस यूज़ किया है, इसमें हमने चीज़ डाली है और वाइट सॉस जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो क्रीमी चीज़ की शेप में ये हमारे पास बनी है। इसके ऊपर मैंने टमाटर डाल दिए, प्याज शामिल किया है मैंने, शिमला मिर्च मैंने चॉप करके रख ली थी वो मैंने डाल दी है। अच्छी तरह से आपने अपने पिज़्ज़े को सजाना है, ऊपर से सिलुत सच्ची आए, ऊपर से ओरिगैनो लीव्स डालें, हमने अजवाइन डाली है, सलवंजी तो शामिल किया है। ये चीज़ें टेस्ट से ली होती हैं, इनसे टेस्ट बहुत डेवलप होता है हर चीज़ का। और हमने ओलिव्स शामिल किए हैं, इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पिज़्ज़े की जान जिसको बोला जाता है चीज़ ये होता है, तो आप जितनी पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ डालेंगे ना उसका उतना टेस्ट इन्हेंस होगा। अगर 2 कप की आपने डो ली है ना तो आप उस मुनासिबत से आप देख लीजिए उस पर आपकी
200 ग्राम जो है वो जाएगी चीज़, तब आपका पिज़्ज़ा अच्छी तरह से रेडी होगा। मैंने ओवन जो 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, तो फिर मैं इसमें अब अपना पिज़्ज़ा रख दिया। आप देख सकते हैं ये 180 डिग्री पे है, 10 मिनट पहले मैंने इसे जला दिया था क्योंकि ये अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा बनते तैयार हो रहा है, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं बाहर आते तो ऐसा लुक देते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत हमारे पिज़्ज़े की लुक तैयार हुई है। और बहुत ही आप जितनी माने आप बाज़ार से पिज़्ज़े खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया है और इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाया है। मुझे उम्मीद है आप सबको तो आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपको आज की रेसिपी ऐसी लगी है। इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है इस पिज़्ज़े का। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस हमारी रेसिपी तैयार हुई है। वीडियो तो देखने के लिए आप सब लोग बहुत कुछ शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। अगर कमेंट करके बताइए दीजिए कि आपको आज की रेसिपी ऐसी लगी है, क्योंकि हमारे इससे हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।